सावन के तीसरे सोमवार को दुर्ग के शिवनाथ नदी से देव बलोदा मंदिर के लिए निकली भव्य कांवड़ यात्रा, भिलाई विधायक हुए शामिल। सावन माह के तीसरे सोमवार पर दुर्ग के शिवनाथ नदी में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आस्था के साथ पहुंचे सभी कांवरियों ने बम भोले का नारा लगाते हुए शिवनाथ नदी में डुबकी लगाकर स्नान किया और अपने कांवर यात्रा में जल भरा और देवबलोदा मंदिर की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जय हनुमान सेवा वाहिनी के द्वारा निकाली गई इस कांवर यात्रा में विशेष रूप से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए, जिन्होंने भगवा वस्त्रों में शिवनाथ नदी में स्नान कर कावड़ में जल भरा और शिवनाथ नदी के किनारे स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक कर कांवरियों के साथ प्राचीन देवबलोदा के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। कांवरियों की इस पदयात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान भोलेनाथ की झांकी रही, जिसके साथ डीजे की धुनों में कांवरिया झूमते नाचते नजर आए। इस संबंध में मीडिया के समक्ष भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सावन के पर्व में हम सभी श्रद्धालुओं के साथ जय हनुमान सेवा वाहिनी के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे प्राचीन मंदिर देव बलोदा, जहां से पूरे छत्तीसगढ़ की आस्था जुड़ी है, यहां से सभी कांवड़ यात्री वहां पहुंचेंगे शाम को और पूजा अर्चना करेंगे। सावन हिंदू धर्म के हिसाब से सावन का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। हर साल हम ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कोविड के कारण हम रुक गए थे, यह हमारा द्वितीय वर्ष है। जय हनुमान सेवा वाहिनी, हम अपने शहर की जनता की खुशहाली के लिए ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं और यहाँ से हम चल के 27 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके देव बलोदा के प्राचीन शिव मंदिर में हम जलाभिषेक करके जनता की खुशहाली के लिए और प्रदेश की खुशहाली के लिए हम ये कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। मतलब आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे लोग, हर जगह से आए हुए लोग हैं, सब कांवड़ यात्रा से बहुत खुश है और सब चाहते हैं कि हम शिव जी की इस पूजा अर्चना में अपने से भागीदारी दे सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।